खबर लखनऊ से। योगी सरकार में बहादुरी का सम्मान पाने वाली आगरा की युवती न्याय पाने के लिए भटकने को मजबूर है। युवती और उसका परिवार महीनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। पीड़ित युवती और परिवार को दबंगों की धमकियां मिल रही हैं, जिसके चलते पूरा परिवार खौफ में है। पीड़ित युवती ने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं और मेरा परिवार बहुत परेशान है। हमारे साथ 40 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। हम ऐसी स्थिति में हैं जहां पर हम यहां पर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। जो विपक्षी पार्टी है वो लोग हमारे साथ इतने ज्यादा इतने रसूख वाले हैं कि वो मेरे पापा को रास्ते में रोक रोक के धमकाते हैं, फोन करते हैं, धमकाते हैं, मुझे फोन करते हैं, मेरे पिताजी को रास्ते में रोक रोक के बोलते हैं कि तुमको वहां पे रहने नहीं देंगे। एसएसपी महोदय से लेकर सब जगह मैंने शिकायत की, मुझसे तीन तीन बार, चार चार बार दोबारा से शिकायत पत्र मांगे गए। जब भी मैंने जवाब पूछा तो मुझसे बोला गया कि दोबारा शिकायत पत्र भेजो, दोबारा करेंगे। आज मैंने योगी आदित्यनाथ जी को ये चिट्ठी लिखी है, जिसमें मैंने अपनी पूरी कहानी बताई है। इसमें मैंने हर उस इंसान का नाम लिखा है जिसने हमारे साथ फ्रॉड किया, पूरी अपनी कहानी बताई है। मुझे उम्मीद है कि मेरे परिवार को मुझे न्याय दिलाने में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारी मदद करेंगे।